ये देखिए, ये आर्टिकल में क्या आ रहा है, सऊदी का कहना है कि बुर्ज खलीफा के कंपटीशन में 2 किलोमीटर बड़ा स्काईस्क्रैपर बनाएगा सऊदी। बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, 828 मीटर, और आपको जिद्दा टावर तो पता होगा, जिद्दा टावर जो आधा बन चुका है तकरीबन और फिर काम रुका हुआ है जो भी वजह से, तो जिद्दा टावर वो है 1 किलोमीटर, यानी 828 मीटर से बड़ा 1 किलोमीटर। और ये देखिए यहां पे ये बात है, इसके अंदर 2 किलोमीटर बड़ा टावर और सेम बुर्ज खलीफा टाइप का मॉडल यूज करके 2 किलोमीटर बड़ा टावर, कॉम्पिटिशन है ये। और आप देखेंगे टॉल बिल्डिंग जो आ रही है गल्फ में, ये देखिए लिस्ट, ये लिस्ट है सारे टावर्स के कॉम्पिटिशन की लिस्ट। देखिए कॉम्पिटिशन जरूरी नहीं ऊपर ही हो, कॉम्पिटिशन ऊपर से थोड़ा नीचे, उससे और थोड़ा नीचे, वहां भी सब कॉम्पिटिशन चलता है कि इससे ऊंचा मैं, यानी ये ब्रैकेट में, ये 300 मीटर की लिस्ट में कंपटीशन, 400 मीटर में कंपटीशन, तो ये सब कंपटीशन चल रहा है कि कौन ऊंचे से ऊंचा टावर बनाए, ये हम देख रहे हैं। बिल्कुल पूरी हुई पेशन गोई। उसी तरह एक और पेशन गोई जो हम देख रहे देख सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तकूमु सातु हत्ता यतबाह नासु फिल मसाजिद, कि कयामत तब तक कायम नहीं होगी यहां तक कि लोग मस्जिदों के मामले में आपस में कॉम्पिटिशन ना करें, मस्जिदों के मामले में आपस में कॉम्पिटिशन ना करें। और इस आयत की, इस हदीस की शरह में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि जिस तरह से यहूद और नसारा ने अपनी इबादत गाहों को खूबसूरत बनाया, उसी तरह से तुम मस्जिदों को खूबसूरत बनाओगे, यहां तक कि कॉम्पिटिशन होगा मस्जिदों में, उससे अच्छी मस्जिद मेरी, उससे अच्छी मस्जिद मेरी। और आप देखिए कि जो टाइप की मस्जिदें बनाई जा रही है आज, आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं, मैं आपको चंद फोटोज बता रहा हूं, आपसे फोटोज देखिए, हाँ देखिए फोटोज, ये मस्जिदें हैं, हाँ जो कॉम्पिटिशन है मस्जिदों के मामले में मुख्तलिफ ममालिक में, तो वहां की आन शान दान क्या है, मस्जिद कौन कितनी आलीशान मस्जिद बनाता है, तो देख रहे हैं आप पैलेस मस्जिदें, यानी कहेंगे पैलेस महलों जैसी मस्जिदें, तो देख रहे हैं आप ये मस्जिदें। हमने हमारे ग्राफिक डिजाइनर को ये कह रखा है कि ऐसे मस्जिदों की ये डालने की जरूरत नहीं है हमारे ग्राफिक्स में, क्योंकि ये कोई बहुत ही पसंदीदा चीज नहीं है। हकीकत में मस्जिदों का इस्तेमाल, मस्जिदों को के अंदर इल्म हो, इखलास हो, वो चीज असल है, प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए, लोगों के लिए जगह हो। मैं खुद ऐसी मस्जिदों में बाज नमाज पढ़ चुका हूं जहां जुमा के दिन महल जैसी मस्जिद अंदर, लेकिन जगह नहीं उतनी कि अंदर सब समा जाए, और क्योंकि वहां पे एलिवेशन की वजह से तकरीबन 10-12 फ्लोर्स फिट हो जाते, उतनी बड़ी जगह खाली है, और लोग बाहर जुमा के दिन सड़कों तक पढ़ रहे हैं धूप में नमाज, ऐसा भी होता है, हाँ ऐसे मैं भी पढ़ चुका हूं, आप भी शायद पढ़ चुके होंगे। तो यानी एक तरफ तो आलीशान और दूसरी तरफ जगह ही नहीं है, मतलब ऐसा भी होता है बाज जगहों पर। तो आलीशान मस्जिदें, ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, ऐसी और बहुत सारी आलीशान मस्जिदें। क्या ये हदीस के अंदर जो पेशन गोई थी वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, आप लोगों को दिख रहा है, हाँ ये मिसालें दिख रही है। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तकूमु सातु हत्ता युक़बदुल इल्म, कि कयामत तब तक कायम नहीं होगी यहां तक कि इल्म कब्ज, इल्म इल्म क्या होगा, कम हो जाएगा, अल्लाह ताला इल्म को ले लेगा। और कैसे लेगा, बेकब्दिल उलमा बे इल्महिम, उलमा का की मौत होगी, उनके इल्म के साथ वो दुनिया से चले जाएंगे, और इस तरह से इल्म दुनिया में से चले जाएगा। और ये होता दिख रहा है, बड़े बड़े उलमा हम देख रहे हैं जा रहे हैं, और ये होता दिख रहा है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व तकसुर ज़लाज़िल, के जलजलों की कसरत होगी, जलजलों की कसरत। अब ये चार्ट देखिए, ये है 1903 से लेकर 2014 तक का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि जितने जलजले हो रहे थे 1903, 1911, 1920 और अब जितने जलजले हो रहे हैं, ये कंटिन्यूसली चार्ट बढ़ते जा रहा है। तो कयामत से पहले जलजले बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, यहां तक कि कयामत से पहले जलजलों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी, जैसे कि हम देख रहे हैं। ये एक और चार्ट देखिए, इस चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि सन 1000 में कितने जलजले हो रहे थे, कंपेयर करिए सन 2000 में कितने जलजले हो रहे थे। तो जलजले छोटे बड़े सब साइज के मिलाकर सन 2000 में आप देख रहे हैं कि कितने सारे जलजले आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और एक और पेशेंट को ही हम देखते हैं, ये कुछ कुछ पूरी हो रही है लेकिन और भी बहुत पूरा होना बाकी है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तकूमु सातु कयामत तब तक कायम नहीं होगी हत्ता तऊदा अर्दुल अरबी मुरूजन वानहारन, यहां तक कि अरब जमीन वापस ना लौट आए, यहां तक कि अरब जमीन, तऊदा अल्फाज पर गौर करें, तऊदा अर्दुल अरबी मुरूजन वानहारन, के बागात और नहरों में वापस ना लौट आए, सही मुस्लिम की हदीस है। और आप ये देख रहे हैं, ये नासा की जो स्पेस से ली हुई इमेजेस है, 1987 में रेगिस्तान में सऊदी का क्या हाल था आप देख रहे हैं, 1991 में थोड़ा थोड़ा हरा आया,
2012 में और थोड़ा, और आप देख सकते हैं ऐसे कई सारे इलाके हैं, जैसे जजान क्या की जो ये फोटोज है, कई सारे इलाके जो काफी हरे भरे हो चुके हैं सऊदी के अंदर, काफी हरे भरे इलाके। और आप ये देख सकते हैं आर्टिकल में 2020 का है कि सऊदी अरेबिया मेक्स बिग मूव टू ग्रीन द डेजर्ट, कि रेगिस्तान को हरा बनाने में सऊदी ने बड़ा मूव लिया। अब देखिए इंसानों के करने से नहीं होता है, ये हालात होते हैं, अल्लाह पैदा करता है। उसी तरह सऊदी का जो डेजर्ट ग्रीन इनिशिएटिव है, इसके अंदर क्या आ रहा है कि वो सन 2030 तक 45 करोड़ पेड़ लगाएंगे, 45 करोड़ पेड़ लगाएंगे, सोच सकते हो 450 मिलियन पेड़ लगाएंगे। अब ये सारी चीजें जो होती है, हाँ, और आप देखेंगे कि जब ये बात तो है, लेकिन एक और बात देखिए, ये आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल के अंदर आ रहा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ जो एक्सपर्ट्स ने जब ये स्टडी किया और देखा, तो वो बताते हैं कि सऊदी अरेबिया में पहले क्या था ना, लश ग्रासलैंड्स थे, मतलब वहां पे हरियाली हुआ करती थी पहले, रेगिस्तान से पहले वहां हरियाली हुआ करती थी, नहरें बहा करती थी। अब उनको कैसे पता चला, तो वो बताते हैं कि उनको कैसे पता चला, क्योंकि उनको ऐसी हड्डियां मिली है ऐसे ऐसे क्रीचर्स के, जैसे एलिफेंट्स, हाथी, जैसे हिप्पोज, और ऐसे ऐसे, बिकॉज हिप्पोज जो होते हैं रेगिस्तान में नहीं रहते, वो कहते हैं ऐसे ऐसे एनिमल्स जिससे उनको पता चला। वो कहते हैं कि तकरीबन वो एंशियंट रिवर्स, नहरें बहा करती थी सऊदी में, वो कहते हैं हमारे पास प्रूफ आ चुका है, तकरीबन 10,000 पुराने तालाब हुआ करते थे सऊदी में, 10,000 से ज्यादा, तो नहरें हुआ करती थी, बागात होते थे वहां पर, वहां पर ऐसे जानवरों की पुरानी पुरानी हड्डियां मिली है जो सिर्फ पानी वाली जगहों पे होते थे। तो ये प्रूफ मौजूद है, ये 2018 की रिपोर्ट है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, आप कहेंगे ये बात क्यों बता रहा हूं, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर हत्ता तऊदा दिया है, यहां तक कि वापस ना लौट आए, मतलब कयामत से पहले फिर से ये अरब जमीन जो है हरी भरी होगी, इसमें नहरें बहेगी, इसमें बागात होंगे, कयामत से पहले ऐसा होने वाला है। तो जो लोग कहते हैं ना कि बस अभी कयामत आने वाली है, तो ये तो बहुत कुछ होना बाकी है कि नहीं बाकी है, है ना, ये अलामात में से जो पूरी होना बाकी है, कुछ हो रहा है, कुछ आसार दिख रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जैसा कि हम देख सकते हैं डायरेक्शन में दिख रहा है कि ट्रेन उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एक और मिसाल देखते हैं, और जो मुगल्स जो आए थे, आपको पता है कि मुगल इन्वेजन जो हुआ था, और मुगल इन्वेजन जो मुसलमान खिलाफत जहां थी मौजूद, और इराक के अंदर बगदाद में जिस तरह से वो लोगों ने खत्म किया, तहस नहस किया मामला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है, ला तकुमु सातु, कयामत तब तक नहीं आएगी, हत्ता तुकातिलु कौमन नियालहुम शार, कि कयामत तब तक नहीं आएगी यहां तक कि तुम एक ऐसी कौम से ना लड़ो जिनके जूते, होंगे बालों वाले होंगे। जरा ये बात नोट करिए, मैं आपको एक फोटो बताने वाला हूं। हत्ता तुकातिलु तुर्क, यहां तक कि तुम तुर्क से किताल ना करो। तुर्क कौन है? ये टर्की वाले तुर्क ही नहीं, उनके एंसेस्टर्स और मंगोल्स, तुर्कमेनिस्तान, ये सबके जो एंसेस्टर्स है उनको तुर्क कहते हैं। हत्ता तुकातिलु तुर्क अल सिगार अल आयुनी, आंखें उनकी छोटी होगी, हुमर अल वुजूह, चेहरे लाल, जुल्फ अल उनूफ, तो देखते हैं कि उनके जो हम देखते हैं कि चेहरे लाल होंगे, हाँ, और नाक जो होगी जुल्फा फ्लैट होगी, दबी हुई चपटी होगी, कान्ना वुजूहुल मजानुल मुतरका, कि उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे कि ढाल होती है ना, फ्लैट ढाल वैसे चेहरे होंगे। तो आप देखिए कि जो मंगोल जो होते हैं, और ये पेशन गोई के तकरीबन 650 से ज्यादा साल बाद ये बात हुई, हाँ ये बात हुई हिजरी में, तकरीबन 650 हिजरी के आगे, यानी 656 हिजरी में ये बात हुई कि मंगोल इन्वेजन आया, और हुलागु खान ये लोगों ने आकर बगदाद पर कब्जा किया, जो उस वक्त पर अब्बासी खिलाफत का कैपिटल था, और उनकी जो इमेजेस आप देखोगे उसी तरह चेहरे बड़े, हाँ चेहरे फैले हुए जैसे कि ढाल, लाल कॉम्प्लेक्शन, आंखें छोटी, हाँ नाक चपटी, तो ये उनका जो कॉम्प्लेक्शन जो देख रहे हैं हम, ये मैच हो रहा है, उनके जूते मैच हो रहे हैं, और ये पेशन गोई 1400 साल पहले से मौजूद थी। तो हम देखते हैं ये भी एक मिसाल है, और अल्लाह बेहतर जानता है, और ये मैंने आर्टिकल यहां दिया है कि मंगोलिया होमलैंड है, खुद तुर्क का भी मंगोल्स का भी, दोनों के जो एंसेस्टर्स है वो सेम है। ये यहां पर हिस्ट्री ऑफ द टर्क्स, ये आर्टिकल जो है historyworld.net की वेबसाइट से मैंने दिया है, ऐसा नहीं कि मैं खुद अपनी तरफ से कोई बात कह रहा हूं। तो यहां तक कि उनकी जुबानों में भी कुछ कॉमन, जुबानों के अंदर भी कॉमन चीजें हैं। अब आगे जाकर क्या हुआ, आगे जाकर जो हुआ हम सब जानते हैं कि जो मंगोल जो थे, जिन्होंने इतनी बड़ी एरिया पर जिन्होंने हुकूमत की,
लेकिन आगे जाकर मंगोल्स चार हिस्सों में बढ़ गए और ये चार हिस्सों में से तीन हिस्सों ने इस्लाम कबूल कर लिया, सिर्फ जो खानेट ऑफ द ग्रेट खान है उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, बाकी तीन ने कबूल किया। तो हम देखते हैं कि ये चीज क्या है, अल्लाह का प्लान है, अल्लाह ताला जानता है कि किस तरह से किससे क्या खिदमत लेनी है, किससे क्या काम लेना है, और अल्लाह का इल्म बहुत बड़ा है। उस वक्त जाहिर सी बात है जब बगदाद तहस नहस हुआ था तो लोगों को तो बहुत बुरा ही लगा था, लेकिन आगे के जमाने में क्या हुआ वो अल्लाह ताला का प्लान है। तो चलिए, ये हमने कुछ मिसालें देखी कुछ पेशन गोई की, और अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं इनको शेख शाबान बेदार, शेख किफायत, आधे मिनट की एक वजाहत है। हाँ जी बिल्कुल, एक मिनट की, वो ये कि अभी आपसे लोगों ने सुना अलामते कयामत सुगरा सुने, कुछ कुबरा सुने, तो एक बात ये होती है आवाम में एक तासुर ये रहता है और बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में कि कयामत की अलामत होने का मतलब बुरा, जैसे कयामत की अलामत होने के मतलब बुरा, ऐसे क्या हदीसों में है के क्या नाम से कुछ औरतें बाद के जमाने में ऐसे होंगी, कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, या ऐसे कयामत की और सारी निशानियां, दज्जाल है, हाँ याजूज माजूज है वगैरह वगैरह, कभी अलामतों को सुनने से ये ज़हन में लोगों के जाता है कि जो है कयामत की अलामत होने का मतलब कि कोई बुरी चीज। तो देखिए, अलामत कयामत में कुछ चीजें बजाते खुद बुरी हैं और कुछ चीजें बजाते खुद बुरी नहीं है, लेकिन वो निशानी है कयामत के। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाहिर सी बात है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बुराई नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत वफात अलामत कयामत में से, तो जाहिर सी बात है वो भी बुराई नहीं है। ऐसे ही जैद भाई ने अभी हरा भरा का बयान किया कि भाई पहले हरियाली थी कभी, फिर अरब में फिर रेगिस्तान का मामला हो गया, यानी पूरा सूखा सूखा हरियाली नहीं रह गई, फिर वो हरियाली लौट आएगी जो पहले थी। तो अब इसमें ये लेना, कुछ लोगों को मौका मिल जाता है, देखिए दज्जालियत है यहाँ या सऊदी में, देखिए ना कयामत की अलामत जो है फिट हो रही है, देखिए नजद की सरजमीन में कयामत की अलामत फिट हो रही है, तो देखिए बुराई का मेहर है। तो अब यहाँ ये समझने की बात यह है कि भी अल्लाह के रसूल की हदीस में तो मौजूद है बात के लोगों, अगर कयामत तुमको पता चले अभी कयामत आनी है और मौका तुम्हारे पास इतना है कि एक पौधा लगा दो तो पौधा लगा दो, तो अल्लाह के रसूल का तो हरा करने का हुक्म है। अब हरा करना बुराई की अलामत नहीं है कि वो बुराई है, हाँ इस बात की अलामत है कि कयामत करीब हो रही है। तो ये वजाहत करनी थी मुझे, और अगर मेरी बात नहीं पहुंच सकी हो आसानी से तो जैद भाई थोड़ा पहुंचा दें। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फीक। चलें तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि कई गेस्ट है बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अरशान खान ज्वाइन हुए थे, अरशान खान को हम ले रहे हैं। यस अरशान खान, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सर मेरा डाउट इसके ऊपर है सर कि वो जो फरिश्तों की बशारत होती है सर, वो सिर्फ नबियों को होती है जी सर? तो सर जो हजरत मरियम को वो फरिश्तों की बशारत हुई थी सूरह आल इमरान में, कुरान में शरीफ में ये रिवायत है सर, आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, ऐसा ये कहना कि फरिश्तों की बशारत सिर्फ नबियों को होती है, ऐसा तो कहीं नहीं है। फरिश्तों की बशारत सिर्फ नबियों को होती है ऐसा कहीं नहीं है। तो ऐसा जब कहीं है ही नहीं तो मेरे ख्याल से ये सवाल बनता है। तो आज के टाइम पे भी तो किसी को फरिश्तों की बशारत हो सकती है फिर? कब? अब? जी सर, फरिश्ते की बशारत किसी अंदाज में हो सकती है? नहीं सर, तो कोई ऐसा भी हो सकती है, कोई ऐसा भी तो क्लेम कर सकता है कि मुझे आज ये फरिश्ते देखे तो उनने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक 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 उस वहां जो फरिश्ते की बशारत हुई वही के जरिया रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से उसकी दलील मौजूद है, हदीसों में उसकी दलील मौजूद है, कुरान पाक में उसकी दलील मौजूद है। आज अगर कोई ख्वाब से या किसी और बात के जरिया से बात साबित करता है तो उसके सही होने की दलील क्या? तो सर तो आप रेफरेंस दे सकते हैं मुझे किस चीज का? जी सर कि मतलब आज के टाइम पे ये नहीं हो सकता फरिश्तों की वजह ये इमाम मेहदी होने का मतलब? जाहिर सी बात है कि आज हमको कौन बताएगा, आज हमको ये कौन बताएगा कि ये आदमी जो कह रहा है कि हमको फरिश्ते की बशारत हुई है ये सही है? इमाम मेहदी के बारे में तो अलामतें मौजूद है सीधे सीधे,
बिल्कुल क्लियर क्लियर साफ है, तो उसमें किसी फरिश्ते की बशारत कोई मसला ही नहीं है कि कोई फरिश्ता आके बशारत दे उसको उनके बारे में। उनके बारे में तो हम अलामतों से पहचानेंगे कि ये महदी हैं, और पहचानने की बात नहीं होगी उसमें, वो तो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा फजल होगा कि लोग उनके हाथ पे बैत करते चले जाएंगे। इससे पहले हिस्ट्री में हम लोग तफसील से बात कर चुके हैं, तो इसमें ऐसा तो कोई मसला नहीं होगा कि वो ऐलान करेंगे, बैत का मुतालबा करेंगे, बस अल्लाह तबारक व तआला का फजल ऐसा होगा कि लोग उनके हाथ पे बैत करते चले जाएंगे और उनकी पहचान ऑटोमेटिक हो जाएगी, और ऐसा मामला होगा कि जैसा कि हदीसों में मौजूद है उनका चेहरा मोरा ऐसा होगा, जमाना ये होगा, वगैरह वगैरह जो चीजें हम इससे पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। आप पीछे जाए तो मेहदी वाली हिस्ट्री में पूरी तफसील मौजूद है कि कैसे मेहदी को पहचाना जाए। नहीं सर, मतलब आज के टाइम में अगर कोई ये क्लेम कर सकता है ना, किफायत कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा एक मिनट शेख किफायत का भी लो। जी जी शेख बताएं। देखिए जो भाई साहब का सवाल था ना कि फरिश्ते गैर नबी पे आ सकते कि नहीं, तो बिल्कुल आ सकते। आपने मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है, बल्कि उससे भी अलग मिसाल मैं आपको दूं। सही मुस्लिम की हदीस है नंबर 2567। जी सर, 2567 उसमें अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से मरवी है, कहते हैं कि अन्न रजुलन ज़ारा अखन लहू फी क़रियतिन, कि एक शख्स ने एक गांव में अपने भाई की ज़ियारत के लिए गया, तो रास्ते में हाँ कि उसे एक शख्स मिला, तो वो कहता है कि अयना तुरी, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि उरीद अखन लि फी हाज़िल क़रिया, मैं इस गांव में अपने एक भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ, एक भाई है मैं उससे मिलने के लिए इस गांव में जा रहा हूँ। तो पूछा कि हल लगा ले ही मिने मतिन तरबुहा, क्या उसका कोई तुम पर एहसान है, कोई ऐसा करम है जिसको चुकाने के लिए तुम जा रहे हो? कल अल्लाह गैर अन्नी अहबबतुहु फिल्लाह, कहने ऐसा कुछ भी नहीं है, बात यह है कि मैं उससे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसकी विजिट के लिए, उसको देखने के लिए। कल फैनी रसूलुल्लाह ही इलै, तो वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक जो है फरिश्ता हूँ, यानी मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ भेजा है, क्या कि मैं तुम्हें बता दूं भी अन अल्लाह कद अहब्बका कमा अहबबतहु फी, कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है जैसा कि तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो। ये सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है। सही मुस्लिम की हदीस से एक बात जहां ये मालूम हुई कि एक आम शख्स के पास भी फरिश्ता आ सकता है। मरियम अलैहिस्सलाम की बात तो बहुत बड़ी है, एक आम शख्स के पास भी फरिश्ता आ सकता, और भी ऐसी कई रवायतें हैं कि आम शख्स के पास फरिश्तों के आने की, लेकिन ये तमाम रवायत आप देखेंगे ना, जो गैर नबी के पास फरिश्ते आते हैं, तो फरिश्तों के आने का मतलब ये नहीं कि जो दीन के एतबार से शरीयत के एतबार से जो वही है वो लेकर आ जाएंगे, वो सिलसिला खत्म हो चुका है वही का। अब कोई भी फरिश्ता दीन की कोई बात सिखाने के लिए किसी के पास, कि कोई नया दीन, कोई नई बात, कोई अपडेट बताने के लिए, या किसी की वलायत को साबित करने के लिए, किसी की बुजुर्गों को साबित करने के लिए लोगों के सामने फरिश्ता आएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम के का खासा है, ये उन्हीं के साथ, जब हम कहते हैं ना खत्म नबूवत, तो जब हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम आखिरी नबी थे, नबूवत का मामला खत्म हो चुका है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई किसी शख्स को हम नबी का टाइटल नहीं दे सकते, बस बाकी हर वो चीज दे दे जो नबी की खुसूसियत। जब हम कहते हैं खत्म नबूवत ना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह के नबी के बाद किसी को नबी नहीं बोलना है, बल्कि मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी खुसूसियात थी वो किसी और के अंदर नहीं हो सकती है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत कि जिब्रील इस्लाम आते थे और अल्लाह की तरफ से वही लेकर आते थे, अब किसी और पे वही नाजिल नहीं हो सकती। अब कोई और शख्स ये दावा करे कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही आती है, दीनों शरीयत की बातें आती है, वो कज़्ज़ाब झूठा शख्स है, नहीं हो सकता। तो ऐसे अल्लाह के नबी असल मासूम अली खता थे, कोई कहे कि मैं भी मासूम नहीं खता हूं, तो समझो खत्म नबूवत और उसका ईमान नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी खुसूसियात है वो नबी के साथ ही खत्म हो चुकी हैं। अब फरिश्ते किसी के पास आ सकते हैं, जिस सिलसिले में जितनी रिवायात हम देखते हैं उन तमाम रिवायत में कॉमन चीज आप क्या देखेंगे कि उसका ताल्लुक सिर्फ उस फर्द से मुतल्लिक है। ऐसा नहीं है कि उसका उसको प्रमोट करने के लिए कोई फरिश्ता आ गया, उसको लोगों के दरमियान कोई बुजुर्ग साबित करने के लिए फरिश्ता आया है, उस या फरिश्ता उसको बहुत बड़ा आलिम बताने के लिए आ गया है, या फरिश्ता ये बताने के लिए आ गया तुम लोग इसकी पैरवी करो, इसका ये करो, या वो शख्स जिसके पास फरिश्ता है वो बाद में जो है उसका प्रचार करने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे। तो ये आप ध्यान में रखें कि बाकी अगर फरिश्ते किसी के पास आते हैं, गैर नबी के पास किसी वजह से कोई फरिश्ते आते हैं, तो उसका मकसद उस शख्स को प्रमोट करना,
या उसको बुजुर्ग साबित करना, उसको वली साबित करना, ये सब नहीं होता। उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मसला होता है, उसके ताल्लुक से रवायतों में मिलता है। यानी जितनी भी रवायतें आप देखेंगे गैर नबी के पास फरिश्ते के आने की, वहां आपको ये नहीं मिलेगा कि उस शख्स को लोगों के दरमियान तआरुफ कराना मकसूद था। बल्कि ये जो रवायत सही मुस्लिम के मैंने पढ़ा है, ये रवायत का सोर्स वो शख्स नहीं है जिसके पास फरिश्ता आया था, बल्कि ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करता है, ना कि उस आदमी का बयान करना जिसके पास फरिश्ता आया था। तो ये जो फरिश्ते किसी के पास आते हैं या किसी वजह से आए, जो रवायत में मिलता है, उसमें एक कॉमन चीज आपको मिलेगी कि वो उनको प्रमोट करना मकसद नहीं था, उनको कोई विलायत या बुजुर्गी साबित करना मकसद नहीं था, किसी खास मसले में कोई बात कहनी थी या इम्तिहान लेना मकसूद था अल्लाह की तरफ से या ऐसी कोई बात थी, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसलिए अगर कोई शख्स ये दावा करता ना कि जैसे नबियों के पास फरिश्ते आते थे कोई इंफॉर्मेशन लेके या कोई उनको उनकी नबूवत को साबित करने के लिए, उनको रसूल को साबित करने के लिए, कोई अल्लाह ताला की तरफ से दीन लाने के लिए या अल्लाह ताला की तरफ से कोई दीनी एतबार से कोई उनको पैगाम होता था कि तुम ऐसा करो, ये सारी चीज अगर कोई आज दावा करता है कि मेरे पास फरिश्ते आते हैं, वही आती है, तो समझो वो नबूवत का दावा कर रहा था, झूठा कज़्ज़ाब दज्जाल है वो आदमी। अगर कोई शख्स ये दावा कर लेना कि मेरे पास फरिश्ता आया था, ये बता के गया, कुछ मेरी तारीफ करके गया, कुछ छोटा मोटी ऐसी बात कह दिया, तो वो बड़ा मसला नहीं है, उसकी हद तक है, उसकी जात की हद तक है। तो पता नहीं वो कतई नजर इसके कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो एक माइनर चीज है। लेकिन अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास फरिश्ता आया और ये बता के गया तुम महदी हो, तुम फला हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो ये शख्स कज्जाब है, ये शख्स दज्जाल है, क्योंकि ये नबुवत का जो मकाम है उस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है थैंक यू जजाकल्ला सर, सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू। सवाल का जवाब मिल गया जी सर? बिल्कुल सर, मतलब मुझे एक सवाल और था कि मैं एक और पूछ सकता हूँ सर? जी मुख्तसर जी सर, मुझे दाउस ट्राइब के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? दाउस, दौस कबीले के ताल्लुक से? जी सर। हाँ दौस कबीला, अच्छा वो उसके बारे में बात कर रहे हैं आप जी। ये जो बुत परस्ती वहां होगी, हाँ जी सर, कयामत से पहले जी सर। और उसकी एक हदीस भी है सही है, बुखारी 7116, उसके मतलब इसी टॉपिक के ऊपर है सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए उसे। मैंने जो पेशेंट गोई की लिस्ट निकाला था ना मैंने आज के, बताऊंगा कि ये पेशेंट गोईयां जो अब तक पूरी नहीं हुई है। अच्छा, बाज लोगों का कहना है कि उसके ताल्लुक से कुछ रिवायतें हैं कि ये चीज पूरी हो चुकी है, कुछ यानी बाज इस दरमियान के दौर में, लेकिन मैंने इसे उसमें डाला था कि जो आगे के दिनों में अल्लाह बेहतर जानता है इसकी क्या कैफियत होगी, किस तरह से पूरा होगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशेंट गोई है जो अभी तक नहीं हुई, उसका मतलब ये नहीं कि झूठी हो गई या गलत है, उसका वक्त होता है, वक्त होगा, उल्टा जब होगी तो तब लोग देखेंगे कि इस तरह से हुआ। तो यहां पर ये जो खुलासा के बुत की इबादत होगी फिर से कयामत से पहले, जैसे जमाने जहलियत में होती थी, सही बुखारी की हदीस है ये, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज होगी। अब इसके अंदर कोई ये कहे कि अभी तक नहीं दिख रहा है, अभी फला नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा नहीं उसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। अब देखिए कितनी चीजें हैं, कितनी ताज्जुब वाली है, कितनी सरप्राइजिंग है, और फिर भी यानी वो चीज हो रही है, आज हो रही है। कि कौन सोच सकता था कि रेगिस्तान में इस तरह से हरियाली छाएगी, कौन सोच सकता था, पेशेंट गोई है पहले से और वो चीज हो रही है। तो मुझे तो ऐसी कई सारी ताज्जुब वाली चीजें दिखाई दे रही है और वो हो रही है आज के दिनों में जी। तो ये होना नहीं होगा, इस पर कोई क्या एतराज उठा रहा है बताइए? क्या क्या एतराज क्या है अरशान भाई जी? सर मुझे वो क्या बोलते हैं सही अल बुखारी 7116 का मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था सर बस। 7116 खुला पड़ेगा मुझे, एक मिनट होल्ड करें जी। लेकिन बाकी 7116 अगर यही हदीस जो मैं बता रहा हूँ जो जुल खुलासा के बारे में है और जी, तो यही हदीस बता रहे हैं आप या कोई और हदीस है ये जी? हाँ वही सेम हदीस बता रहा था मैं, ये सेम हदीस का जवाब मैं दे रहा था। ठीक है, सवाल क्या आपका इसके ताल्लुक से सर? मतलब कुछ लोग इसके ऊपर मतलब सवाल उठाते हैं सर, मतलब कि उसमें वो दाउस ट्राइब की वुमेन्स के मतलब अटैक्स जब तक वो मूव करेंगे ऐसा कुछ मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं सर,
तो उसको सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बुत परस्ती होगी एक पर्टिकुलर इलाके में, अरब जमीन पर बाज इलाके में ऐसी बुत परस्ती होगी कयामत से पहले, ऐसा भी एक वक्त आएगा, इसमें क्या इतना बड़ा प्रॉब्लम है? ये भी पेशेंट वही है, रिवायत में ये बताया जा रहा है, इसमें एक लफ्ज है कि उनके अलियात जो है हिलेंगे, तो मतलब ये है कि बुत के इर्द गिर्द वो औरतें चलेंगे से इशारा है, यानी जब आदमी चक्कर लगाता है और चलता है तो उसके बदन के आजा जो है जिस्म के आजा हिलते हैं, तो उस रिवायत में वहां इशारा किया गया है और साफ बताया गया है कि औरतें जो है कबीले दौस की औरतें होंगी, और इस रिवायत से भी पता चलता है कि गोया उस मकाम में उस जगह में बुत परस्ती की सूरत बिल्कुल आ जाएगी, यानी जैसे पूजा जा रहा है जैसे किसी सनम के गिर किसी बुत के गिर चक्कर लगाया जाए तो ये सूरत आएगी, तो गोया इस रिवायत में ये बताया जा रहा है कि शिर्क वहां वाकई होगा, बुत परस्ती वाकई होगी और अलामत कयामत की ये खराब तरीन अलामत होगी। ये क्लियर है इसमें मतलब सवाल जैसे जैद भाई पूछ रहे हो क्या है, अगर वो बताते आप पूछ लीजिए। जी शेख बस वही है जो अगर औरतें तवाफ करेंगी शिर्क करेंगी तो भाई उनका जिस्म हरकत करेगा तो जो जाहिर में बताया गया वैसे होगा, उसमें कोई इश्काल तो नहीं समझ में आ रहा, बस ये है कि हम ये कहते हैं कि अभी ये चीज सामने नहीं आई है, लेकिन जब आएगी तो ऐसे आएगी जैसे हदीस में जिक्र है, हमारा उस पर ईमान है कि ऐसे होकर रहेगा जो नबी ने कहा वो होकर रहेगा, उसमें कोई इश्काल नहीं, जैसा हदीस में वैसे ही होगा, हम उसकी कोई तावील नहीं करते। अभी ये होगी दौस कबीला कौन सा है, कबीला तो है दौस, दौस कबीला मारूफ कबीला है, आप गूगल कर लें तो बहुत आराम से दिख जाएगा वो कबीला कौन सा है क्या है। जज़ाकअल्लाह सर, थैंक यू सर, ठीक है चलिए नेक्स्ट। अब्दुल रहमान रेडी हो आप? मैं अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान आप स्क्रीन पर हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुल रहमान भाई आपका क्या सवाल है? शेख सवाल ये है कि अभी जो भाई बोल रहे थे कि कयामत से पहले बुत परस्ती जो है आम हो जाएगी, क्या तौहीद खत्म हो जाएगी उसमें? एक पर्टिकुलर कबीले की बात है, अरब जमीन पर एक जगह की बात है, वहां पे कबीले में बुत परस्ती होगी, तो ये वहां की बात है जी। तो शेख तौहीद खत्म हो जाएगी क्या फिर? ठीक है आपका ये सवाल है। देखिए बात है, खत्म होने की बात नहीं है, तौहीद खत्म होने की बात नहीं है, बुतपरस्ती आने का मतलब नहीं कि तौहीद पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी जी। दूसरा सवाल ये शेख कि अब रजब का महीना चल रहा है तो इसमें जो होने वाले बिदआत वो खुराफात है, उसके आज हम लोग ये अलामात कयामत के मौजू पर कर रहे हैं, बाकी शेख दुक्तूर नसीम रहते हैं स्ट्रीम में अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये रेगुलर जनरल सवालात लेते हैं, अगर अलामात कयामत के ताल्लुक से या जो मौजूआत हमने डिस्कस किया है उसके ताल्लुक से कोई सवाल हो तो वो पूछे तो ज्यादा अच्छा है। शेख सवाल ये है कि दज्जाल का जो फितना है जी, तो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआ से कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, वो वाली जो दुआ है, तो शेख जैसे हम नमाजों में ये दुआ पढ़ते हैं अक्सर अक्सरियत फर्ज और नवाफिल नमाजों में, तो क्या नमाजों के बाद भी ये दुआ पढ़ना चाहिए या फिर बस नमाजों में ही पढ़ के इसको रुक जाना चाहिए? देखिए दुआ के ताल्लुक से उसका जो वक्त है खुसूसी वो तो है ही, इसमें कोई शक नहीं जी। शेख किफायत आप बताएं जो बता रहे थे भाई, ये काफी है, नमाज में एक दिन नहीं हम करते हैं, पांच टाइम हम दुआ करते हैं, और पांच टाइम में भी सिर्फ फर्ज नमाज में उसके पहले सुन्नत है उसमें भी हम वही पढ़ते हैं, नमाज के बाद की जो सुन्नत है उसमें भी पढ़ते हैं, तहज्जुद है तो उसमें भी, वितर है तो उसमें भी, तो अब अलग से कोई वक्त मुतय्यन करके दज्जाल से पनाह मांगना, ये चूंकि इसका सबूत नहीं मिलता इसलिए वो नहीं करेंगे, जितना बताया गया उतना इनफ काफी बहुत है। और नमाज के अंदर जो दुआ की जाती है बहुत पावरफुल होती है, यानी नमाज के अंदर हमें किसी कोई दुआ करने का मौका मिला ना तो उससे बाहर उस अंदाज की दुआ नहीं हो सकती है, इसीलिए मेरा एक आर्टिकल है आप जाके नेट पे पढ़ सकते हैं कि नमाज के बाद अजकार या दुआएं, मैंने उसमें यह साबित किया है, उसका खुलासा ये कि नमाज के बाद दुआ है ही नहीं, नमाज के बाद सिर्फ जिक्र है, और जो दुआ है वो नमाज के अंदर है, नमाज के अंदर सलाम फेरने से पहले का जो वक्त है वो असल वक्त है दुआ करने का। तो जो तो इतने अहम टाइम में जो हमें ये सिखा दिया कि दज्जाल से पनाह मांगने की बात सिखा देगी, तो वो मेरे ख्याल से काफी है, अब अलग से
कोई ऐसी बात हमको नहीं बताएगी। हाँ, जो ये बताएगा ना कि सूर्य कहाँ पढ़ना, उसका इलाज, उससे बचने की एक तरकीब है, तो आप सूर्य कहाँ याद कर लें, वो सब चीजें करें, या फिर पढ़ना जरूरी है। फिर सूरतुल कहफ के शुरू की दशाएं थे, नहीं पूरा सूर्य पूरा कुरान ही याद कर लें, इसमें क्या बुरा है। कम से कम अगर पूरा नहीं याद कर सकते हैं तो 10 सूर्य कहफ याद करना चाहिए, उसकी 10 आयतें भी याद करना चाहिए। तो ये सब चीजें आप करें, बाकी जैसे सिखाया गया है पनाह मांगे।